आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। और ये अभी भी जातवादिता सांप्रदायिकता फैली हुई है, मारकाट होते हैं। और ये जिस प्रकार अंग्रेज लोग जो है ये हिंदुस्तान जो हमारा चेतक है, हम यहाँ देख रहे हैं अखिल भारतीय सवर्ण महासभा का आज यहाँ पर दारू सफा में बैठक हो रही है और यहाँ पर ये आरक्षण के बारे में विशेष चर्चा हो रही है। हम बात करते हैं जी अध्यक्ष जी से, क्या नाम है आपका? सुरेश बाबू मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सवर्ण समाज महासभा। आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है जी। आरक्षण में ये व्यवस्था थी कि हमारे समाज में जो समाज में दबे हुए कुचले हुए जो लोग थे उनको आगे बढ़ाया जाए, भारत में सभी अपना जीने का रास्ता समान करें। ऐसी स्थिति में 10 साल के लिए उन दलित समाज के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने लालच की वजह से उसको जात पात में बांट दिया कि हमारा जाटव भाई या हमारा वाल्मीकि भाई या हमारा धोबी भाई या हमारे ये समाज का जो यही दलित है और सारे लोग दलित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका दुरुपयोग ये हुआ कि जो हमारा दलित भाई को 21% का आरक्षण मिला उसमें केवल उन लोगों को लाभ मिला जो इस देश के IPS हैं, इस देश के IAS हैं, इस देश के मिनिस्टर हैं, इस देश के विधायक हैं, इस देश के जो बड़े कर्मचारी हैं उनको लाभ मिला जो मात्र 5% है। 21% का जो हमारा जो उनका आरक्षण था वो केवल 5% बढ़ गया। हमारे साथ जो गांव में दलित समाज के या OBC समाज के लोग रहते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिला। अखिल भारतीय सवर्ण समाज ये चाहती है कि उन 5% को आरक्षण ना मिले क्योंकि वो सवर्ण से ज़्यादा सवर्ण हो गए हैं और 95% में वो आरक्षण हो। अध्यक्ष जी, जो आपने ये किया है, क्या यह जातिवाद पे अपने आरक्षण विरोधी रखे हैं कि जनरल सब पे? नहीं, हम जातिवाद का विरोध नहीं करते, हम हर जात से बंधे हुए हैं। सवर्ण ने, विशेष ब्राह्मण ने हर जात को सम्मान दिया है। देखिए, जब तक हमारे यहाँ बच्चे का जब जन्म होता है तो ये भानुक जात का होता है, जब तक वो नाट नहीं, नाट तो और भी काट सकते थे, ब्लेड से काट सकते थे, अपने घर में काट सकते थे, लेकिन उसका सम्मान देने के लिए उसको ही प्राथमिकता दी गई है कि उसको स्थान दिया गया। हर जात को सम्मान दिया गया है, सवर्ण जात ने दिया है। सवर्ण सदैव पूरे देश में हर जात का सम्मान देती है, उसने कहीं किसी का विरोध नहीं किया। और ये सवर्ण समाज की महासभा जो अभियान चला रही है इसमें जात पात का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी जात का विरोध करते हों, हम उनका विरोध करते हैं जो जीने में असमर्थ है, खाने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। अगर आर्थिक स्थिति पे आरक्षण हो जाता है तो हमारे इस देश का सारे लोगों को लाभ मिलेगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। यानी आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं? जी जी, आर्थिक स्थिति की। अच्छा, ये अखिल भारतीय सवर्ण महासभा जो है इसका आपने गठन कब किया और कब से इस पर काम शुरू किया आपने? ये हम वर्ष 2011 से काम कर रहे हैं जी, और हमारा हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील पे इसकी इकाई हमारी गठित है। लेकिन ये सवर्ण समाज अन्य वर्गों की जात भांति जो है ना तो लड़ना चाहती है, ना प्लेटफार्म करना चाहती है, ना यातायात ठप करना चाहती है। ये बुद्धिजीवी वर्ग एक का संगठन है, ये अपने बुद्धि और दिमाग से ही सब एकता का परिचय देती है। ये इस तरीके से किया जाएगा, ये हम अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि एक बार ये हुआ था, गणेश जी को दूध पिलाया जाता है, 24 घंटे के अंदर हजारों टन दूध पिला दिया गया। ये वो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये अखिल भारतीय सवर्ण समाज पूरे देश में स्थापित है। अगर इस आरक्षण को, आर्थिक स्थिति के आरक्षण पर नहीं किया गया